सनसनी ऑफ इंडिया। कृष्णा नगर में मां बेटी के सनसनीखेज डबल मर्डर की गुत्थी को स्पेशल स्टाफ शाहदरा की टीम ने सुलझा दिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक लड़की का कंप्यूटर ट्यूटर और उसका सिंगर साथी निकला। जब हत्यारों को शक हुआ कि पुलिस उन्हें खोज रही है तो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप बनाकर अलग अलग जगह जाकर छिप गए। आरोपी इतने शातिर और चालाक थे कि पुलिस को गुमराह करने के लिए एक दूसरे से व्हाट्सएप कॉल पर एक टाइम फिक्स करके बातचीत करते थे। लेकिन स्पेशल स्टाफ शाहदरा की टीम आरोपियों से चार कदम आगे निकली और बाइक का हॉर्न बजा जाकर आरोपियों को बिल से बाहर खींच लाए। आरोपियों की पहचान लक्ष्मी नगर दिल्ली निवासी 28 वर्षीय किशन व सिवान बिहार निवासी अंकित कुमार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से क्राइम में इस्तेमाल दो थैले, क्राइम सीन से चुराए दो एप्पल मैकबुक लैपटॉप, एक डेल कंपनी का लैपटॉप, दो चार्जर, तीन आईफोन, मृतक गिन्नी का एक पस व वारदात के समय पहने खून से सने कपड़े बरामद किए हैं। रोहित मीना डीसीपी शाहदरा ने बताया कि दिनांक 31 मई की सुबह 7:56 पर थाना कृष्णा नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि ई ब्लॉक कृष्णा नगर की कोठी नंबर 17/2 के अंदर से बदबू आ रही है। कॉल करने वाले पड़ोसी ने पुलिस को ये भी बताया कि इस कोठी में मां बेटी रहती है जो 3-4 दिन से दिखाई नहीं दे रही है। सूचना पर तत्काल कृष्णा नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और खिड़की को तोड़कर जब घर के अंदर दाखिल हुई तो वहां दो लाशें मिली। मृतका की शिनाख्त 73 वर्षीय राजरानी और इनकी 39 वर्षीय बेटी गिन्नी करार के रूप में हुई। दोनों के शव घर की लॉबी में खून से लथपथ हालत में बरामद हुए। स्पेशल स्टाफ शाहदरा, FSL रोहिणी, मोबाइल डिस्ट्रिक्ट क्राइम व फॉरेंसिक असिस्टेंट्स की टीमों ने क्राइम सीन का मुआयना किया और क्राइम सीन की फोटोग्राफी की और सबूत जुटाए। छानबीन के बाद कृष्णा नगर थाना पुलिस ने FIR संख्या 343/23 धारा 302, 394/397 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्राइम की सेंसिटिविटी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की कई यूनिट हरकत में आ गई। DCP शाहदरा ने डबल मर्डर की वारदात को बड़ी गंभीरता से लिया और आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए स्पेशल स्टाफ शाहदरा, ऑपरेशंस यूनिट MTSU, कृष्णा नगर थाना व क्रैक टीम सीमापुरी को शामिल किया। DCP शाहदरा रोहित मीणा ने अतिरिक्त DCP फर्स्ट कुशल पाल सिंह की सुपरविजन व ACP ऑपरेशंस महेंद्र सिंह और ACP गांधी नगर चंद्रकांत के नेतृत्व में पहली टीम इंस्पेक्टर दिनेश आर्य ऑपरेशन यूनिट के अंदर में SI विनी, SI ब्रह्मपाल, हेड कांस्टेबल दीपक, संदीप व रोहित की टीम बनाए। इंस्पेक्टर विकास कुमार इंचार्ज स्पेशल स्टाफ शाहदरा के अंडर में SI प्रशांत शर्मा, SI प्रमोद, हेड कांस्टेबल राजेश, अनुज, राजीव, सिद्धार्थ, अंकुर, विजय, जगमोहन, शरद, कांस्टेबल राकेश व लवप्रीत की दूसरी टीम बनाए। तीसरी टीम थाना कृष्णा नगर के SHO रजनीश के अंडर में इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर सचिन वर्मा, SI सत्येंद्र, धनजय, PSI विकास, SI कंवरपाल, हेड कांस्टेबल नितिन, सुमित, दीपक, गिरिराज व निखिल की टीम बनाए। चौथी टीम में इंस्पेक्टर विनय यादव के अंडर में SI गजल, हेड कांस्टेबल सचिन, सचिन राणा व कांस्टेबल अक्षय को क्रैक टीम सीमापुरी में शामिल किया गया। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए MTSU यूनिट से SI दीपक और हेड कांस्टेबल मनोज को शामिल किया गया। टास्क मिलते ही सभी टीमें अपने अपने एंगल से क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने लगी। क्राइम सीन से एक बात साफ हो गई थी कि मां बेटी की हत्या लूट के इरादे से की गई थी, लेकिन कब और कितने बजे ये जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीमों ने क्राइम सीन से सबूत जुटाने शुरू किए। क्राइम सीन पर मृतक मां बेटी के मोबाइल फोन भी गायब थे। इंस्पेक्टर विकास कुमार इंचार्ज स्पेशल स्टाफ शाहदरा ने पड़ोसियों से मृतक राजरानी और उसकी बेटी का मोबाइल नंबर पता करके कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि 27 मई से ना तो कोई कॉल आई थी ना ही की गई है। कॉल डिटेल से इंस्पेक्टर विकास कुमार ने एक बात का तो अंदाजा लगा लिया कि वारदात को अंजाम 27 मई को दिया गया है। क्राइम डेट का अंदाजा लगते ही टीम ने क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर विकास कुमार का अंदाजा सही निकला। क्राइम सीन से थोड़ी दूरी पर दो सस्पेक्ट CCTV में दिखाई दिए। CCTV फुटेज से दोनों सस्पेक्टों के फोटो निकालकर टीम ने मृतक के परिचितों, पड़ोसियों, सगे संबंधियों को दिखाया, लेकिन कोई भी उनको नहीं जानता था। CCTV कैमरे में कैद दोनों सस्पेक्टों में से एक सस्पेक्ट मोबाइल पर बात करता जा रहा था। सस्पेक्ट का मोबाइल नंबर पता करने के लिए टीम ने क्राइम सीन के आसपास का मोबाइल डंप डाटा स्कैन किया तो कोई भी संदिग्ध नंबर नहीं मिला। CCTV कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि सस्पेक्ट कान से मोबाइल लगाकर किसी से बात करते हुए जा रहा है, लेकिन डंप डाटा में मोबाइल नंबर न आने से इंस्पेक्टर विकास कुमार को समझते देर नहीं लगी कि कैमरे में कैद दोनों सस्पेक्ट ही क्रिमिनल है।
दोनों सस्पेक्ट इतने शातिर थे कि किसी का ध्यान उन पर न जाए, इसके लिए बंद फोन को कान पर लगाकर बात करने की एक्टिंग करते हुए कॉलोनी से बाहर निकल गए। केस में पहला ब्रेक थ्रू तब मिला जब ऑपरेशन यूनिट शाहदरा की टीम वारदात के बाद जिस रूट से सस्पेक्ट व्यक्तियों के भागने की आशंका थी, उस रूट पर पड़ने वाले सभी कॉर्नर्स, मल्टीपल टर्न्स, मकानों, दुकानों और रेड लाइट पर लगे 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगालते के ब्लॉक कृष्णा नगर के उस मकान तक पहुँच गयी जिस मकान में सस्पेक्ट व्यक्ति घुसे थे। सस्पेक्ट व्यक्तियों के घर का पता चलते ही टीम चुपचाप ये पता लगाने की कोशिश करने लगी कि यह लोग कौन है और क्राइम में इनका कितना रोल है। टीम ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई तो एक सस्पेक्ट की पहचान किशन के रूप में हुई, साथ ही टीम ने सस्पेक्ट किशन का मोबाइल नंबर भी खोज लिया। केस में दूसरा ब्रेक थ्रू तब मिला जब सस्पेक्ट किशन के मोबाइल नंबर की कॉल हिस्ट्री में मृतका राजरानी और गिन्नी करार का मोबाइल नंबर मिला। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से साफ हो गया था कि डबल मर्डर में किशन का हाथ है। सस्पेक्ट किशन के खिलाफ तमाम सबूत और सुराग मिलते ही टीम ने घर पर छापा मारा तो पता चला कि मीडिया में डबल मर्डर की खबर आने के बाद से ही वो अपने घर से भाग गया था। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से टीम ने दूसरे आरोपी की पहचान अंकित के रूप में कर ली। टीम ने दोनों आरोपियों के मोबाइल नंबरों को टेक्निकल सर्विलांस पर लगा दिया। आरोपी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के अच्छे जानकार थे। पुलिस को चकमा देने के लिए दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप बनाया और अलग अलग हो गए। एक दूसरे से व्हाट्सएप कॉल पर एक टाइम फिक्स करके बातचीत करते थे। व्हाट्सएप कॉल भी राह चलते लोगों को मजबूरी बताकर उनके हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके करते थे। इस दौरान 5 शहरों में छापेमारी की गई और 2000 किलोमीटर का सफर तय किया। इसके साथ ही 200 लोगों से पूछताछ भी की गई। स्पेशल स्टाफ शाहदरा की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से एक सस्पेक्ट अंकित की लोकेशन को दिल्ली के बीडी एस्टेट तिमारपुर इलाके में जीरो डाउन किया और ट्रेस करके खोजना शुरू किया। सस्पेक्ट अंकित को पता चल गया था कि पुलिस उसका पीछा कर रही है तो उसने अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर मोबाइल को दिल्ली सरकार के फ्री वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। मोबाइल से सिम कार्ड निकल जाने की वजह से सस्पेक्ट अंकित की पिन पॉइंट लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन टीम को इतना तो पता चल चुका था कि अंकित बीडी एस्टेट तिमारपुर इलाके में ही कहीं छिपा हुआ है। स्पेशल स्टाफ शाहदरा इंचार्ज इंस्पेक्टर विकास कुमार व एसआई प्रशांत ने भीड़भाड़ वाले इलाके से अंकित का पता लगाने के लिए बेहद चालाकी से काम लिया। अंकित को बिल से बाहर निकालने के लिए इंस्पेक्टर विकास कुमार ने अलग हटकर योजना बनाई। पहले सस्पेक्ट अंकित की कॉल डिटेल से उसके मामा का मोबाइल नंबर निकाला और फिर मामा को बीडी एस्टेट तिमारपुर बुलाकर अंकित को व्हाट्सएप कॉलिंग पर लंबे समय तक बात करने को कहा। साथ ही एक स्थानीय व्यक्ति की बाइक मांग कर एसआई प्रशांत को बीडी एस्टेट तिमारपुर की उस लोकेशन पर जहां 10-12 कोठियों में से किसी एक कोठी में अंकित के छुपे होने की संभावना थी, उन सभी कोठियों के सामने बारी बारी से बाइक रोककर जोर जोर से हॉर्न बजाने को कहा। इंस्पेक्टर विकास कुमार के कहने पर अंकित के मामा ने जब अंकित से व्हाट्सएप कॉल पर बात करनी शुरू की तब एसआई प्रशांत सस्पेक्ट कोठियों के सामने बारी बारी बाइक रोककर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगे। जैसी इंस्पेक्टर विकास कुमार ने योजना बनाई थी ठीक वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद व्हाट्सएप कॉल पर बात करते समय अंकित की आवाज के साथ पीछे से बाइक का हॉर्न बजने की भी आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर विकास कुमार को समझते देर नहीं लगी कि जिस कोठी के सामने बाइक का हॉर्न बजाने पर हॉर्न की आवाज व्हाट्सएप कॉल पर बात करते समय पीछे से सुनाई दे रही है, अंकित उसी कोठी में छुपा हुआ है। पिन पॉइंट लोकेशन मिलते ही टीम ने सस्पेक्ट कोठी को चारों ओर से घेर कर अंकित को दबोच लिया। पूछताछ में अंकित ने किशन के साथ वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। अंकित ने बताया कि किशन के पास पीड़ितों के मोबाइल फोन और घर से लूटा अन्य सामान भी है। पीड़िता और किशन के मोबाइल को टेक्निकल सर्विलांस पर लगाने से लोकेशन लखनऊ में एक ही टावर की आई। आरोपी को दबोचने के लिए एक टीम को तुरंत लखनऊ के लिए रवाना किया गया, लेकिन उसको अंकित के पकड़े जाने की जानकारी मिल गई थी। कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में आरोपी किशन छिपता छुपाता दोबारा दिल्ली आया। इस बात की भनक कृष्णा नगर थाना पुलिस को लग गई और कोर्ट के सामने जाल बिछाकर आरोपी किशन को भी दबोच लिया। आरोपी व्यक्तियों से लगातार पूछताछ करने पर पता चला कि किशन लक्ष्मी नगर का रहने वाला है। यह एक नोएडा में मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली मेडिट्रॉनिक्स नाम की कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था। इसके साथ ही NCR होम ट्यूशन नामक वेबसाइट में पार्ट टाइम होम ट्यूशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, जिसके जरिए पीड़ित महिला राजरानी का किशन से संपर्क हुआ था। राजरानी की बेटी को किशन कंप्यूटर अप्रैल महीने से पढ़ा रहा था। इस दौरान आरोपी किशन ने परिवार का विश्वास भी जीत लिया। परिवार में घुलमिल जाने की वजह से किशन को राजरानी के बैंक खाते की जानकारी मिली तो पता चला कि महिला के बैंक खाते में 50 लाख रुपए थे। तभी से किशन ने लूटने का प्लान किया।
किशन ने पहले दो वकीलों से संपर्क किया कि अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकाले जा सकता है और कैसे गायब हो सकते हैं, लेकिन राजरानी ने अपने बैंक खाते में डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल पाए। इसके बाद किशन और अंकित सिंह दोनों आपस में लूट की प्लानिंग करने लगे। दोनों ने 17 मई को एक मिशन मालामाल नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपस में बातचीत की। मिशन मालामाल को अंजाम देने के लिए आरोपी अंकित 24 मई को आसाम से दिल्ली ट्रेन से आया और उसको ओयो होटल में रुकवाया गया। दिल्ली आकर उसने इलाके में रेकी करना शुरू कर दिया और लक्ष्मी नगर इलाके से चाकू खरीदे। पीड़िता राजरानी को अपनी बेटी के लिए एक इंग्लिश टीचर की जरूरत थी। किशन ने अंकित को इंग्लिश टीचर के रूप में राजरानी से परिचय कराया। तब दोनों राजरानी के घर अपने बैग लेकर पहुंचे। पीड़िता राजरानी के घर के गेट पर कैमरा लगा हुआ था। जब तक कैमरे में पहचान नहीं हो सकती, तब तक घर के दोनों गेट नहीं खुल सकते। 27 मई को 9:50 दोनों की घर में फ्रेंडली एंट्री हुई। उन्होंने पीड़िता राजरानी और दिव्यांग गिन्नी की उम्र का पूरा फायदा उठाया। वे घर में भारी मात्रा में नकदी और गहनों की उम्मीद कर रहे थे। आरोपियों में से एक ने गिन्नी को पानी देने के लिए कहा और जैसे ही गिन्नी रसोई में गई, दोनों आरोपियों ने मृतका राजरानी के गले पर चाकू से बेरहमी से हमला कर दिया और फिर उनमें से एक ने रसोई में गिन्नी के गले पर हमला कर दिया और दोनों का बेरहमी से कत्ल करके घर में लूटपाट की। आरोपियों ने सभी सबूत मिटाने की कोशिश की, मौके से खून साफ किया। जिस स्क्रीन में रिकॉर्डिंग हुई थी वो उसे भी तोड़कर ले गए और गोंडा में ले जाकर नष्ट कर दिया। आरोपी अंकित ने घर से निकलने से पहले खून के धब्बे वाली अपनी टी शर्ट बदली और यह सुनिश्चित किया कि कोई निशान न रह जाए। उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। 11:10 पर वहां से बाहर निकल गए। दोनों यहां से सीधा लखनऊ की ओर भाग गए और वहां से फिर दोबारा पीड़िता राजरानी के बैंक खाते से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। आरोपी किशन कंप्यूटर ग्रेजुएट है। माँ बेटी की हत्या में किशन को भी कई जगहों पर चोट लगी थी। उसका ब्लड निकल रहा था और उसने एक केमिस्ट से दवाई ली। दोनों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए ट्रेन में जाते समय अन्य यात्रियों का फोन इस्तेमाल किया, उनका हॉटस्पॉट यूज किया। साथ ही दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैपिंग रखा। पहले गोंडा गए, फिर वापस आए और नॉर्मल जिंदगी शुरू की। पहला आरोपी लक्ष्मी नगर दिल्ली निवासी 28 वर्षीय किशन पुत्र विनय कुमार स्नातक है और नोएडा में मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली मेडिट्रॉनिक्स नाम की कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। इसके साथ ही विभिन्न ऑनलाइन ट्यूशन पोर्टलों के माध्यम से पार्ट टाइम ट्यूटर भी है। दूसरा आरोपी सीवान बिहार निवासी अंकित कुमार सिंह पुत्र हरिशंकर सिंह एक OTT के लिए भी गाना गाता रहा है। अंकित अपकमिंग आर्टिस्ट है। 25 मार्च को इसकी जॉब चली गई थी। इसने पहले दिल्ली के अशोक नगर में रहकर अपना सिंगिंग कोचिंग भी चलाया था, इसलिए काफी लोगों से इसकी जान पहचान थी। इसके इंस्टाग्राम काफी संख्या में फॉलोअर्स भी हैं। पुलिस ने इनके पास से क्राइम में इस्तेमाल 2 थैले, क्राइम सीन से चुराए 2 Apple MacBook लैपटॉप, 1 Dell कंपनी का लैपटॉप, 2 चार्जर, 3 iPhone, मृतक गिन्नी का एक पर्स व वारदात के समय पहने खून से सने कपड़े बरामद किए हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। के उजाले में और
रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।